हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया सुनो सुनो सुनो, नाउ गेट आउट पाकिस्तानी इन जापान। ओहो हो हो, इंटरनेशनल इंसल्ट टू पाकिस्तान। मतलब और द्वेषों के साथ साथ अब जापान भी कह रहा है गेट आउट। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं जो भीख मांगने के लिए बाहर जा अंदाजा रहे हैं। अल्लाह तौबा, पाकिस्तानी भिखारी मांगने के लिए बरूने मुल्क पहुंच गए हैं। बहुत बढ़िया, हमारे जापान के अंदर हमारे पाकिस्तानियों का बायकॉट भी चल रहा है। हमारे जापान के अंदर हमारे पाकिस्तानी क्या बोल रहा है? वो कह रहे हैं कि भाई निकलो। क्या बात कर रहा है, क्या कर रहे हो यहाँ पर तुम? हम क्या इतने करप्ट हो गए? और नहीं तो क्या? क्या हमारे ये इमेज है दुनिया में हम दिखा रहे हैं अपने मुल्क और कौम की? भिखारी हो, जापान के लोग कम्पेन स्टार्ट कर चुके हैं कि पाकिस्तानियों मुसलमानों यहाँ से निकल जाओ, दफा हो जो हमारे मुल्क से। तुम लोगों ने हमारा मुल्क बर्बाद कर दिया। क्या वजह है? हर मुल्क में, दुनिया के हर कोने में, हर कल्चर में एक कौम है जिसके खिलाफ लोग मुजाहरे कर रहे हैं रोज हर जगह पे। आप मंदिरें तोड़ते हैं, आप मस्जिदें तोड़ते हैं, आप इमामबाड़ा तोड़ते हैं, आप चर्च तोड़ते हैं, आप गिरजा तोड़ते हैं, आप यहूदियों के गिरजा चर्च को आप पार्क बनाते हैं, आप शारदा मंदिर को आप कॉफी हाउस बनाते हैं। अपनी औरतें इन्होंने देखी नहीं होती तो अंदर से तूफान आया होता है शलवार में, तभी बकरियों को खड़का देते हैं, खोतों को खड़का देते हैं, कभी किसको खड़का देते हैं, तो ये करते रहते हैं। पाकिस्तान के पास चैलेंजेस का मुकाबला करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्या बोल रही है? आप जापान की बात करते हैं, आप किसी भी मजार पे चले जाएं, आप किसी भी मोहल्ले में चले जाएं, सड़क पे चले जाएं, हमारी तो आदत बन गई है भीख मांगना। हाय हाय, इतना सुकून, इतना सुकून। मैं रिग्रेट कर रहे होंगे यार कि मैंने क्या पाकिस्तान बनाया, कैसा बनाया, कैसे लोग हैं ये, अजीब और गरीब लोग हैं। हिंदुस्तान के लिए जापान, सऊदी, दुबई ऐसे मुल्कों ने क्यों नहीं कहा गेट आउट इंडियंस, गेट आउट इंडियंस, या गेट मतलब रखो इंडियन मुस्लिम, या गेट आउट इंडियन हिंदू, क्यों नहीं कहा? सही होते हैं ना, हमारा जो लीडर है वो तो कहते हैं कि हमें डॉलर दे दो, सब कुछ निकाल लो, जो करने हमारा मुल्क भी ले लो, लेकिन पैसे दे दो। मेरा दिल कह रहा है कि मैं इंडिया का होता तो अच्छा होता। जापान में जापानी लोग रोड पे निकल आए और इस बात के लिए निकले हैं कि पाकिस्तानियों को या इस्लामी लोगों को हमारे मुल्क से निकाल के बाहर फेंक दो, क्योंकि ये लोग जहाँ भी जाते हैं ना वहाँ गंदी फैलाते हैं। चाहे तुम फ्रांस को देख लो, चाहे ब्रिटेन को देख लो, चाहे यूके को देख लो, चाहे जर्मनी को देख लो, पूरे यूरोप को देख लो आप, ये पाकिस्तानी अपने साथ अपनी जहालत जरूर लेके जाते हैं, परफेक्ट नॉकआउट कर दिया, और वहाँ जाकर भीख मांगते हैं, क्योंकि टैलेंट तो कुछ है ही नहीं इनके अंदर। और ऐसी टैलेंटेड पाकिस्तानी लड़की से मैं आपको मिलाता हूँ जो मॉरिशस में रहती है, वहाँ भीख मांगती है, और भीख मांग मांग के उसने क्या बनाया, और जब वो पाकिस्तान में आई तो एक महारानी की तरह उसका स्वागत किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपका नाम क्या है? लाइबा। लाइबा, मुझे ये बताएं आप मलेशिया में रहते? जी। तो पाकिस्तान क्यों आई? वैसे ही बस चक्कर लगता रहता है। चक्कर लगता है तो पहले ये बताएं मलेशिया में आपके पास क्या क्या है? दो फ्लैट्स हैं, कार है, और अपना बिजनेस भी है। बिजनेस भी कर रहे हैं? जी जी। और मुझे ये बताएं कि घर वाले सब वहीं रहते हैं? जी जी। पाकिस्तान रिश्तेदारों से मिलने आई? जी, बस चक्कर लगता रहता है। चक्कर लगता, ये तो आम बात है। इतनी अमीर कैसे हुई? भीख मांग कर। ये पक्की बात है? जी जी। ये आप क्यों इतना सच जो है अब बोलने के लिए आपने कहा? कैसे भी मांगते हैं, वीडियो दिखा। सच तो छुपा नहीं रहता, बताना चाहिए ना अपने बारे में, अपनी पहचान बतानी चाहिए कि आप कैसे अमीर हुए, क्या किया। बस लोगों को देखकर ऐसे, मतलब देखते थे कि ऐसे इशारों पे मांग रहे होते हैं, तो मैं सोचती थी कि ये कैसे कर लेते हैं, और अमीर भी होते हैं बहुत। फिर मैंने भी कहा कि मैं ट्राई करती हूँ, मैंने किया और बहुत ज्यादा पैसे मुझे इकट्ठे हुए कि माशाल्लाह। मलेशिया में आपने 5 साल में ये पैसे? जी जी। तो उधर देख के जरा ये बताएं कि भीख मांगती कैसे थी, क्या बहाना करती थी, क्या सारा करती? ना बीना बनकर, हाथ में किताब पकड़ कर, और हर किसी को अपनी झूठी कहानी बतानी कि मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं और मैं सिर्फ एक ही हूँ, घर चलाना है, मेरे अब्बू बीमार हैं, वो कोई काम नहीं कर सकते, बस इस तरह की कहानियाँ बतानी उनको। अच्छा, आप इस तरह मांगती थी, मुझे अब ये बताएं कि किस किस इशारे पे आपने ज्यादा मांगा है और कहाँ? तो भैया पाकिस्तान के पीएम भी भीख मांगता है, पाकिस्तान की आवाम भी भीख मांगती है, पाकिस्तान के मुकर्रमा रिएक्शन चैनल तो भीख ही मांग रहे हैं कंट्री पे। इसी टॉपिक पे पाकिस्तानी पब्लिक का क्या कहना है, चलते हैं पाकिस्तान। चलो चलो चलो, दुबई ने हमारे वीजों पर पाबंदी लगाई, सऊदीया ने भी रिस्ट्रिक्शन लगाई है, यूएई भी तो हमें वीजे नहीं प्रोवाइड कर रहा। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं सर जापान के अंदर, उफ, 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 क्या जुल्म ढा दिया।
जापान के बात करूं, हमारे कुछ लोगों की वीडियो जो सोशल मीडिया पर, हमारे लोग ना वहां पर जाके भीख मांग रहे हैं, भिखारी हो सच्ची में मांग रहे हैं। देखिए पाकिस्तान से लोग जाते हैं वहाँ पर अपना रोजगार ढूंढने के लिए, पढ़ने के लिए, इस तरह की चीजें करने के लिए जाते हैं। ये लोग जाते हैं तो इनका फर्ज बनता है कि वहाँ जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, लेकिन वहाँ जाकर ये इस तरह के रिश्ते कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट जो ऑफकोर्स इनको बैन करेगी, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के बहुत से मसाइल बनते हैं, जैसे लोगों को, बाकी लोगों को इसको फेस करना पड़ेगा। अब आगे जो बंदा वीजे के लिए अप्लाई करेगा तो जाहिर है वो इस चीज़ को देखेंगे कि ये पाकिस्तान से है, और जब वो कंट्रीज को देखेंगे तो जाहिर है ऑफ कोर्स वीजा देने में मुश्किल आएगी इस समय। कोई दूसरी कंट्रीज भी अभी तक इस तरह का, कोई अफगानिस्तान में हमने नहीं देखा यूएई ने उनके वीजों पर पाबंदी लगाई हो। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बांग्लादेश के, हमारे नहीं पता चलता, इंडिया की पता करें, इतनी बड़ी बात है, वहां से इस तरह की खबर नहीं आती। जापान के अंदर यार इतनी डेवलप सिटी के अंदर हम जाकर, कंट्री के अंदर हम जाकर मांग रहे हैं, कोई अच्छी बात बना दिया था जापान। बिल्कुल अच्छी बात है। देखिए पाकिस्तान की कौम के अंदर ना एक चीज बहुत ज्यादा है कि इन्हें ना मेहनत की आदत नहीं है, ये इजी रास्ता ढूंढते हैं, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, लोग बात की आदत नहीं रहते, जिसकी वजह से वहाँ जाकर बीफ में स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जाहिर है वहाँ पे करेंसी दूसरी होती है, जब उसको पाकिस्तान में चेंज करते हैं उनके पैसे ज्यादा बन जाते हैं, तो उसको मेहनत से रिप्लेस करके मांगना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे जापान के अंदर हमारे पाकिस्तानियों का बायकॉट भी चल रहा है, वो कह रहे हैं कि भाई निकलो, क्या कर रहे हो यहाँ पर तुम, हम कितने करप्ट हो गए, क्या हमारे ये इमेज है दुनिया में हम दिखा रहे हैं अपने मुल्क और कौम की। ये हमारा कौमी अलमिया हो गया है कि हम भीख मांगने पे पता नहीं किस शक्ल में आसानी से, आप जापान की बात करते हैं, आप किसी भी मजार पे चले जाएं, आप किसी भी मोहल्ले में चले जाएं, सड़क पे चले जाएं, हमारी तो आदत बन गई है भीख मांगना। थके हुए कौम ही है ये, हारी हुई कौम ही है। जापान के अंदर से जब हम इस तरह करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता अभी देखेंगे यूके के अंदर भी, बर्मिंघम जो सिटी, वो जो उनका शहर है, वो सारा बैंककरप्ट हो गया। कहते हैं पाकिस्तानी वहां पर जाते काम धंधा नहीं करते, गवर्नमेंट के ऊपर बोझ है, उनके बच्चों के स्कूल की फीस उनको जो गवर्नमेंट महाना पे करती है, जिनको नौकरियां नहीं मिलती, तो हमारे लोग काम ही नहीं कर रहे यार दुनिया में जाकर। तो हमारे इस तरह की जब न्यूज निकलती है तो इससे हमारी क्या वैल्यू रह जाएगी? वैल्यू तो हमारी खत्म हो गई ना, जब हमने काम ही नहीं करना, गए हम यहाँ से, उनका सिस्टम है वो मदद करते हैं, वो देते हैं अस्पताल की, आप यहाँ अस्पतालों का असर देख लें, टाइलें लग रही है, दवाई नहीं है, वहाँ आप फोन करेंगे एम्बुलेंस आ जाएगी, अस्पताल ले जाएंगे, वहाँ इलाज होगा, सब कुछ होगा, उनका बवास आ जाएगा, तो ये तो उनका सिस्टम है। बदकिस्मती और अफसोस के साथ एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है जापान के मुलक ने, एक कैंपेन स्टार्ट की है, गेट आउट मोमिनो का लफ्ज उन्होंने यूज किया है, मतलब कि पाकिस्तानी भी नहीं कुछ भी, उन्होंने मोमिनो का लफ्ज यूज किया है। कितनी बड़ी शर्मिंदगी है कि जापान के आज कैंपेन स्टार्ट की गई है कि मोमिनो हमारे मुलक से चले जाओ, क्या बनेगा इलेक्शन के दिन पे, इतनी बड़ी इंसल्ट हमारे हिंदुस्तान के लिए, जापान, सऊदी, दुबई, गेट आउट इंडियन, गेट आउट इंडियंस, या गेट आउट इंडियन मुस्लिम, या गेट आउट इंडियन हिंदू, क्यों नहीं कहा कभी? पहले सिर पे नहीं था, एकदम से सिर पे लिया। सही होते हैं ना उसके अपने मुल्क के लिए, हमारा जो लीडर है वो तो कहते हैं कि मेरे डॉलर दे दो, सब कुछ निकाल लो, जो करने हमारा मुल्क भी ले लो, लेकिन पैसे दे दो। सब मेरा दिल कह रहा है कि मैं इंडिया का होता तो अच्छा होता। जापान के अंदर एक कैंपेन है आज के दिन पे के मोमिनो जापान से निकल जाओ, गेट आउट मोमिनो, मोमिनो का नाम उन्होंने यूज किया है। सर ये कितनी बड़ी तजलील है हमारे लिए, मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। जापान के लोग कैंपेन स्टार्ट कर चुके हैं कि पाकिस्तानियों, मुसलमानों, यहाँ से निकल जाओ, दफा हो जाओ हमारे मुल्क से, तुम लोगों ने हमारा मुल्क बर्बाद कर दिया। क्या समझते हैं? शर्मिंदगी के बायस है, बहुत बड़ी शर्मिंदगी, बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं दुबई और सऊदी, दुबई और सऊदी के अंदर उनके खुद के ऑफिशियल्स ने कहा कि यहाँ आके मांगना शुरू कर देते हैं, वीडियोस निकाल निकाल के उन्होंने सोशल मीडिया पे आम की कि पाकिस्तानी बैकग्राउंड उनका दिखाया कि ये पाकिस्तानी मांगते हैं यहाँ आकर। सऊदी के एमबीएस ने कहा कि हरम के अंदर लिबास पहन के मांगने लग जाते हैं। फिर ऐसी हरकतें जब पाकिस्तानी करेंगे तो जापान समेत जितने दीगर ममालिक है वो तो कहेंगे गेट आउट, हमारे मुल्क से गंदगी खत्म करो। ऑब्वियसली आपकी 100% ठीक है, होता है, रियलिटी है ये, लेकिन पाकिस्तानियों को उनके राइट्स दें ताकि उनको किसी और मुल्क जाके भीख ना मांगनी पड़े। हम एक मुगल ऐसी कौम है कि हमें अपने राइट्स चाहिए, जो हमें जब जब हिंदुस्तान हमसे नीचे था, 1960s की बात कर रही हूँ, अभी तो वो बहुत आगे है, हिंदुस्तान हमसे बहुत नीचे था तब भी हिंदुस्तान बाहर जाके, हिंदुस्तानी मांगते नहीं थे, अपने मुल्क को बदनाम नहीं करते थे, तो उनको भी तो उतने राइट्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन वो तो बदनाम नहीं करते थे। क्या नमूने थे, क्या नमूने थे, बाप रे।
और इतनी न्यूज कहीं और वर्ल्ड में नहीं आती कि पाकिस्तान को गेट आउट कर दिया, यहां से कर दिया, वहां से कर दिया। यूएसए में कोई न्यूज नहीं आती, भारत में कोई न्यूज आती है, पाकिस्तानी न्यूज लेके आता रहता है। पता नहीं इनको कहां से न्यूज आती रहती है। वही वही अपने कंजम्पशन के लिए न्यूज लेके आते हैं, इनको कैसे पता चल जाता है पता नहीं, मगर कोई लिंक तो होता होगा। हाँ, ये भिखारियों का लिंक, भिखारियों के साथ कनेक्शन है इनका, कि इस देश में प्रॉब्लम आ रही है, भिखारियों को क्या करना है, सारे पाकिस्तानी जाके वहाँ भिखारी बन रहे हैं। ये ठीक है, लेडी तो सोचो होगी जैसे करती होगी, जैसे अभी इनके यहाँ पे पीछे दिखाते हैं फुटेज, पीछे से इनकी बस जा रही थी, अच्छी बस लग रही थी, तो मतलब इनमें कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है कि एक तो ये बेवकूफ बना रहे भारत सारे इंडियंस को व्यूज के लिए। आप इनकी बस देखिए, लाल सी बस आई थी, इट वाज प्रीटी गुड बस। और वो जहाँ पे वो बंदा खड़ा होके बोल रहा था, जो हमारा हमारा जापान कर रहा था, उसके पीछे भी देखो पूरी सड़क सुड़क खाली और साफ सुथरी लग रही थी, एरिया अच्छा लग रहा था। तो इन लोगों का यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है, ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं। मीडिया में क्या चला रहे हैं मुझे पता नहीं, मगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी, थोड़ी मोटी फुटेज दिखाई है। पर वो लड़की, वो तो सबसे हैरान था कि वो लड़की जो बैठी हुई कह रही है मैं, मेरे पास दो फ्लैट भी है, गाड़ी भी है, ये मैं भीख मांग के कर रही हूँ मलेशिया में, और बड़ी खुशी से बड़ी उससे कर रही है, जैसे पता नहीं वहां पे वहां पे बड़े हाई पोजीशन में कहीं जॉब कर रही हूँ। मैं तो ये देख के ये पाकिस्तान प्रोफेशनल बेगर है। हाँ, वो प्रोफेशनल बेगर बन के बहुत खुश है। ये पाकिस्तानी रिएक्शंस माइकों में अपनी देश की बदनामियां और अपना मजाक उड़ा के खुद ही रोस्ट करके उसमें बड़े बड़े वो भी उसमें बड़े प्राउड फील कर रहे हैं। पूरा पूरा पाकिस्तान ही एक ही तरह का, सब लोग ऐसे ही हैं। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।